अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हम पढ़ेंगे कि किस तरह जो है एनर्जी के बारे में एक जर्मन फिजिसिस्ट जिसका नाम है मैक्स प्लैंक, इसने 1900 में, ठीक है, ही वाज अ जर्मन फिजिसिस्ट एंड इसका जो नाम है वो है मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक ने 1900 ही गेव हिज थ्योरी, इसने अपनी थ्योरी जो है दी थी इन 1900। और ये किस चीज के बारे में पढ़ रहा था? ये पढ़ रहा था रेडिएशन के बारे में। ही वाज स्टडिंग अबाउट रेडिएशंस, ठीक है, स्टडिंग अबाउट रेडिएशन। ये पढ़ रहा था हॉट बॉडीज के बारे में कि ही वाज स्टडिंग अबाउट हॉट बॉडीज जो होती हैं, हॉट ऑब्जेक्ट्स में यहां कैसे और आल्सो प्रेस दिस बेल आइकन। उसके बारे में उसने कहा ही वाज स्टडिंग द एब्जॉर्प्शन एंड emission of energy, ठीक है, of absorption and emission of energy from hot objects। अच्छा, इसने कहा कि energy always travel in discrete form का मतलब है इन लो क्वांटिटी का मतलब ये नहीं कि एनर्जी बहुत ही कम फ्लो करेगी, ठीक है, एनर्जी उतनी ही फ्लो करेगी जितनी फ्लो करनी चाहिए, लेकिन जो है एनर्जी जो है स्मॉल पैकेट्स में एनर्जी विल फ्लो इन स्मॉल पैकेट्स, छोटे छोटे पैकेट्स में जो है ट्रेवल करेगी, जिसको हम क्या कह रहे हैं, क्वांटा के जो है स्मॉल पैकेट्स से मुराद है क्वांटा या फिर क्वांटम, ठीक है, एक ही बात है, क्वांटम भी आप कह सकते हैं, और यही यहाँ से जो है इसी का नाम दिया गया क्वांटम थ्योरी। अच्छा, इसने क्या कहा कि एनर्जी जो है फ्लो करती है स्मॉल पैकेट्स में, जिसको हम क्वांटा कहते हैं। और इसके जो है दूसरे पॉइंट्स हैं, इसने कहा था कि एनर्जी अगर फोटोन एनर्जी जो है वो लाइट की सूरत में फ्लो कर रही है, जैसे अभी लाइट पड़ रही है यहाँ पे, तो अगर लाइट की सूरत में पड़ रही है तो उसको हम मेजर करेंगे एनर्जी इन लाइट फॉर्म विल बी काउंटेड एज, वैसे तो हम ठीक है, काउंटेड एज फोटोन या कॉल्ड एज फोटोन, लाइट का छोटे से छोटा जरा, ठीक है, किसके हिसाब से, प्लैंक्स के हिसाब से, छोटे से छोटा जरा जो होता है उसको हम फोटोन कहेंगे, ठीक है, और अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का छोटे से छोटा जरा जो है वो क्वांटा होता है। तो इसने क्या कहा कि एनर्जी अगर फ्लो कर रही है लाइट की सूरत में तो उसको हम फोटोन कहेंगे, और एनर्जी जो है, एनर्जी ऑलवेज फ्लो इन कंटिन्यूअस डायरेक्शन, क्योंकि हम जो है इसको नोट नहीं कर सकते, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी है। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि एक जो एनर्जी है, एनर्जी का जो एक क्वांटा है वो एटम से हजारों गुना छोटा है, ठीक है, एक एटम से हजारों गुना छोटा है। बहुत ही जो है ना एक इंटरेस्टिंग तरीका बताया है प्लैंक ने इसको समझने का, बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये कहता है कि भाई एनर्जी जो है फिर किस चीज पे डिपेंड करती है, तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, ठीक है,
नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी जो है हम कह रहे हैं नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, यहाँ पे हम कहेंगे नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड। एनर्जी जो है बराबर है किस चीज के, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, इसको हम कहते हैं न्यू। ये जो है दूसरी लैंग्वेज का वर्ड है, इसको न्यू कहते हैं। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, और न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। सही है, यहाँ तक समझ गए। वीडियो में अगर आपको कोई चीज़ जो है समझ नहीं आती तो आपको आप जो है ना मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें ये नोट कर लें, इसके बाद जो है हम इसको मज़ीद पढ़ते हैं। चलें ये अभी इसको मिटा देते हैं, इसको जो है कोशिश करें नोट्स की शक्ल बनाते जाएं। आप एक कॉपी बना लें केमिस्ट्री की, मेरे ख्याल से आपके पास होगी, ठीक है, उसमें ऐड करते जाए। मैं इसलिए अभी ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि नोट्स की सूरत में दे दूँ, ताकि आप जो है उसको अपने रिकॉर्ड में रखें, और hey there, बाद में जो है वाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस दिस बेल आइकन। अच्छा जी, इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे अभी कि अगर हम इसी इक्वेशन को आगे लेकर जाते हैं, जो अभी हमने क्वेश्चन लिखी थी ना एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, इसको अगर हम आगे लेकर जाएं, हम इसको कहेंगे आर, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो क्या आता है, इक्वल टू और एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पे कांस्टेंट आएगा एच। अच्छा एच क्या है, एच जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है। एच क्या है, एच है वो प्लांक्स कांस्टेंट है, ठीक है, और इसकी वैल्यू भी है, इसकी वैल्यू है 6.34 × 10⁻³⁴ - 34 जाउल इंटू सेकेंड, ठीक है। अब जो है हम इसको इस तरह पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर कह रहे हैं कि भाई जो प्लांक्स कह रहे हैं, मैक्स प्लांक कह रहे हैं कि आपके पास जो एनर्जी होती है वो हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में होती है, ठीक है। इंटीग्रल फॉर्म से मुराद है कि या तो एक होगी, ठीक है, या फिर दो या तीन, 1.1 नहीं होगी, 1.8 नहीं होगी, 2.1 नहीं होगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी, एक राउंड फिगर होगा। सही है, ये क्या होगा, राउंड फिगर होगा। इसकी मिसाल इस तरह दे रहा है कि जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो या हम पहले स्टेप पे ठहर सकते हैं, या दूसरे स्टेप पे, या तीसरे स्टेप पे, हम स्टेप्स के दरमियान में नहीं ठहर सकते। तो यहाँ पे भी जो है हम स्टेप्स के दरमियान में नहीं, या जो है ना एक टुकड़े के, फिर उसका टुकड़ा भी फ्रैक्शन नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं इज इक्वल टू एन एच न्यू। एन की जो वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 4, 5 ये चलती जाएगी। एन की वैल्यू इस तरह नहीं हो सकती, नॉट इक्वल टू, किस तरह, 1.2, 2.4, 3.1, 1.9 ये नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये जो है आपके पास प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है। इसके अलावा जो है हम आगे नेक्स्ट डेफिनेशंस पढ़ेंगे, जिसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी आएगा, वेवलेंथ आएगा। तो ये हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या है, वेव नंबर, वेव नंबर क्या होता है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है। आप लोगों से यही जो है रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें जितना हो सके। आपके एक लाइक करने से जो है आपका, मेरे ख्याल से कोई 5 सेकंड में नहीं लगते होंगे, ठीक है, 2 सेकंड में नहीं लगते होंगे, लेकिन जो है ये वीडियो दूसरे लोगों को हेल्प करेगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे। हमारे चैनल पर दूसरे जो है पीएमसी की एमसीक्यूज भी मौजूद हैं, सॉल्ड एमसीक्यूज हैं 2021 के, अगर वो आपने पढ़ने हो तो उसकी लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर वहाँ से ना मिले तो आप चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे एमडीकेट मटेरियल लिखा होगा, वहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।